हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो आज की इस रिकॉर्डिंग में गाइस हम चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जीज को। अगले 10 दिन गाइस आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाले हैं चेक कर लीजिए इस रिकॉर्डिंग में। ऑल साइन रीडिंग है गाइस, हमेशा रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कीजिए गाइस। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। आपकी लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज़ यानी कि अगले 10 दिन गाइस आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की तरफ से जो भी एनर्जी होगी गाइस पूरी तरह से आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। आपके साथ में हर एक एनर्जी को मैं शेयर करने वाली हूँ गाइस कि आखिर क्या एनर्जी रहेंगी। ओके, इज टू ऑफ कप्स गाइस। फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर किसी रियूनियन को बता रही है गाइस, वेरी लकी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी मिल रही है गाइस। ये जो कार्ड है ना गाइस, आज कोई एनर्जी मुझे एक साइन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आपके साथ में गाइस आज की रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको अगर खास करके आज ही रीडिंग गाइस अचानक से मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप समझ लो कि आपकी लाइफ में कुछ तो स्पेशल होने वाला है गाइस। कुछ तो ये पर्सन जो है ना आपकी, आपके जो पार्टनर हैं, जो भी आपके लविंग पर्सन हैं, वो आपके लिए कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो आपको ना बस अब देने के लिए आ रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में रिसीव करना और एकदम खुश हो जाना है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। आप में से कई लोगों के लिए गाइस रियूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है अगर अपने पर्सन का आप वेट कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जैसे कोई पर्सन है ना जो बहुत लंबे समय से आपके इंतज़ार में बैठे थे गाइस, अब वो आपकी तरफ मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो गाइस एनर्जीज 2-2 मुझे यहाँ पर मिल रही है गाइस। मैं आप दोनों ही एनर्जी को शेयर करूँगी। आई डोंट नो विद होम दिस एनर्जीज आर गेटिंग कनेक्ट गाइस, कि यहाँ पर कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है और कोई पास्ट के भी पर्सन हो सकते हैं गाइस। कोई पास्ट के पर्सन भी मुझे यहाँ पर लग रहा है जो आपकी लाइफ में तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। जो न्यू पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। कोई तो गाइस ऐसा है जो आपके आसपास हैं और वो ना आपको ना कहीं शो नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे हैं इस बात को कितना ज़्यादा उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, कितनी ज़्यादा इन पर्सन के मन में आपके लिए एक लविंग फीलिंग है, कितनी केयर ये पर्सन आपकी करना चाहते हैं, आपके साथ में फ्यूचर चाहते हैं। बहुत कुछ सोच रहे हैं गाइस, ओवर थिंकिंग बहुत है न्यू पर्सन की आपके लिए। तो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं गाइस जो बहुत लंबे समय से ना अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को ना छुपा रहे हैं, कंट्रोल करते हैं ना, हम जब अपनी फीलिंग को छुपा लेते हैं कि नहीं अभी ये राइट टाइम नहीं है, राइट टाइम आएगा तो हम अपनी फीलिंग्स को हम कहेंगे। तो कोई तो ऐसे पर्सन है गाइस जो मुझे यहाँ पर लग रहा है जो न्यू पर्सन है और आपसे नेक्स्ट 10 डेज़ में अपनी फीलिंग को कहे बिना बिल्कुल रहने नहीं वाले हैं, अपनी फीलिंग ज़रूर से आपसे कह देंगे। अदर एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ में ना आपका कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी रही है। एंड गाइस कोई लड़ाई झगड़े की भी एनर्जी रही है, कोई अग्रेसिव एनर्जी रही है। एंड गाइस हो सकता है लड़ाई झगड़े की एनर्जी ना हो, अग्रेसिव एनर्जी ना हो, बट हो सकता है गाइस कि इन पर्सन के साथ में आपका कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि शायद आपकी बिना किसी गलती के या फिर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि पर्सन आपसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाए कि नाराज़ होकर आपसे दूर ही चले गए। तो ऐसे कोई पर्सन ना गाइस बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 10 डेज़ में जिससे पछतावे की एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगेगा कि इनसे क्या हो गया, इनसे मिस्टेक हो गई। तो ऐसे कोई पर्सन गाइस आपकी लाइफ की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी पर्सन के साथ में गाइस, पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे मोमेंट्स को स्पेंड करने वाले हो, हैप्पी मोमेंट्स को आप स्पेंड करने वाले हो, सेलिब्रेशन एनर्जी हो सकती है गाइस नेक्स्ट 10 डेज़ में। आपकी कोई भी पर्सन जो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो भी एनर्जी इसमें आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं किसी सेलिब्रेशन को लेकर आ रहे हैं, इन पर्सन के साथ में ना गाइस बहुत अच्छा आपका जो है कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे इन पर्सन के साथ में आप कहीं बाहर जाओ या बहुत अच्छी फीलिंग एक दूसरे के साथ में आप दोनों शेयर करो, लविंग एनर्जी गाइस, लविंग फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन की एनर्जी यहाँ पर 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है आज की रीडिंग में गाइस। नेक्स्ट नंबर मुझे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है आज की रीडिंग में वो 3 हो सकता है। सो 2 नंबर एंड 3 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड गाइस अगेन से ओके 4 ऑफ कप्स गाइस, आज की इस रीडिंग में कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो पर्सन है गाइस। आई होप आप दोनों आप जो हैं कार्ड देख पा रहे हो उस टाइम पे, ये वो पर्सन है गाइस जो बहुत ना पिछले लंबे समय से, पिछले कुछ समय से ही पर्सन अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए थे या सही गलत में अंतर नहीं कर पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आ रहे थे, मिसगाइड हो गए थे, थर्ड पर्सन सिचुएशन में थे और आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप इनके लिए इतना कुछ कर रहे हो, आप इनके लिए इतना कुछ करना चाहते हो कि अगर इन पर्सन आपको मौका देना गाइस तो आप फ्यूचर में इनके लिए बहुत कुछ और भी करना चाहते हो।
पास्ट में तो आपने बहुत कुछ इनके लिए किया ही है, बट आप फ्यूचर में भी करना चाह रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपको क्या फील हो रहा था ना गाइस, कि पर्सन आपकी चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज में गाइस, इस सिचुएशन से पर्सन डेफिनेटली बाहर आएंगे, इस सैड सिचुएशन से, कि आपके बिना अल्यून बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं। ये पर्सन जानते हैं अंदर से कि इन पर्सन को आपके साथ में होने से खुशी मिलती है, आपकी इनकी लाइफ में होने से इन पर्सन को खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। बट कहीं ना कहीं पर्सन गाइस क्या कर रहे थे पिछले कुछ लंबे समय से, कि आपसे अपनी फीलिंग को छुपा रहे थे। इन पर्सन को ना गाइस कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ, इन पर्सन को अब आपसे अपनी फीलिंग्स कहनी है। तो नेक्स्ट 10 डेज में गाइस, आप में से किसी के लिए तो एनर्जीज यहाँ पर ऐसी भी है, मुझे कई लोगों के लिए गाइस बल्कि एनर्जी मिल रही है कि कुछ तो ना नेक्स्ट 10 डेज में आपको कुछ रिसीव होने वाला है, अपनी लाइफ में कुछ आपको मिलने वाला है इन पर्सन की तरफ से, कोई गिफ्ट, कोई प्रेजेंट, कोई सरप्राइज, कोई गुड न्यूज़, कुछ तो आपको मिलने ही वाला है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर साइन की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कैंसर, पाइसिस आपके पर्सन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ तो है गाइस, जो ये पर्सन ना आपके लिए सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, गिल्ट भी है इन पर्सन को, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं गाइस। अंदर से फीलिंग क्या आने वाली है नेक्स्ट 10 डेज में, कि पर्सन ना अपने आपको रोकना से मुश्किल होगा इन पर्सन को, इतना हो नहीं पाएगा गाइस नेक्स्ट 10 डेज में इन पर्सन से, कि ये पर्सन आपसे बात ना करें। एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है इन पर्सन की जो इन्हें आपकी तरफ लेकर आ रही है, इन पर्सन का अंदर से कहीं ना कहीं ओके गाइस। ओरेकल एनर्जीज फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कार्ड जो गाइस यहाँ पर निकल कर आया वो है वी आर द वर्ल्ड। सो वी आर द वर्ल्ड गाइस, कहीं ना कहीं गाइस इन एनर्जीज को मैं देख कर बता रही हूँ कि पर्सन आपके साथ देना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज में, कुछ ऐसा चाहते हैं कि कुछ अब ये पर्सन ऐसा डिसीजन लें कि सारी पुरानी बातों को छोड़ के आपका ये पर्सन साथ दें। इन पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद पास्ट में इन पर्सन ने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, आपसे बहुत सारे वादे किए कि आप दोनों दूसरे का साथ निभाओगे, दूसरे को हैप्पीनेस हमेशा दोगे लाइफ में, बट कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब हुई हैं। बट अब अगेन से इन पर्सन के मन में क्या चीज़ें हैं गाइस, कि पर्सन आपका साथ दे, अंडरस्टैंडिंग आपके साथ में इन पर्सन की गाइस बहुत अच्छी होने वाली है नेक्स्ट 10 डेज में। आप लोग के बीच में जो बातचीत गाइस पास्ट में कभी ऐसा हुआ होगा ना कि रूड होकर इन पर्सन ने आपसे कभी कुछ बोल दिया हो, नाराज़ होकर कुछ आपसे बोल दिया हो, आपको ऐसा फील हुआ हो कि अरे इन पर्सन की तरफ से तो मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन मुझसे इस तरह के से जो है बात करेंगे, और इन पर्सन ने जो है पास में आपसे कुछ ऐसा बोला जिससे आपको लगा कि शायद ये पर्सन आपके साथ में जो है रिलेशन नहीं चाहते हैं, या फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान है और आपको ऐसा लगा कि ना जाने ऐसा क्या हुआ इन पर्सन के साथ में, क्यों ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान है और आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल गाइस ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रहे हो, अब चीज़ें बिल्कुल अपोजिट होने वाली हैं। ये पर्सन नेक्स्ट 10 डेज में ना गाइस बिल्कुल कुछ तो ऐसा होगा इनके साथ में गाइस, जो ओके बॉटम ऑफ द डेक गाइस शेयरिंग, कि आपसे ना चीज़ों को शेयर करे बिना रुक नहीं पाएंगे। इन पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये पर्सन बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा तो अकेलापन ये पर्सन महसूस करेंगे नेक्स्ट 10 डेज में, अलोन एनर्जीज़ को महसूस करेंगे, अकेले होने का हमेशा इन पर्सन को जैसे एक अफसोस होना, हमेशा ये रहना कि मैं अपनी लाइफ में अकेला हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है जिससे मैं अपनी फीलिंग को शेयर कर पाऊँ। गाइस मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं गाइस ये पर्सन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज भी यहाँ पर है मेरे पास में, कि पर्सन आपको कुछ देना चाहेंगे नेक्स्ट 10 डेज में, कुछ तो आपको मिलने वाला है। हो सकता है गाइस ये पर्सन नेक्स्ट 10 डेज में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिले, जो आप इन पर्सन की तरफ से क्लैरिटी नहीं आपको मिल पा रही है। कहीं ना कहीं गाइस आप इन पर्सन की तरफ से क्लैरिटी चाहते हो, चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, लव है, केयर है, क्या है आखिर, खुलकर ये पर्सन आपसे बोल दें, एक बार आपसे ये पर्सन बोल दे, कोई डाउट ना रहे। आप कहीं ना कहीं गाइस मैं देख रही हूँ यहाँ पर अपने पर्सन के लिए से ना बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में हो। हो सकता है गाइस कि आप या फिर आपके पर्सन ने कभी एक दूसरे से जो है गुस्से में कुछ बोल दिया हो, या फिर कभी जब कोई आर्ग्यूमेंट हो गई हो, बट उसका ये मतलब नहीं है गाइस कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स तो गाइस आज यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही इतना खूबसूरत आया है टू ऑफ कप्स, जो बता रहा है कि आप दोनों गाइस जितना दूर गए हो ना पिछले कुछ टाइम में, उतने ही ज़्यादा कहीं ना कहीं फीलिंग्स आप दोनों को करीब लेकर आ रही है। अब कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए जैसे एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे आती हुई नज़र आ रही है अपकमिंग टाइम में, सक्सेसफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे आती हुई नज़र आ रही है। करियर के लिए देख लेती हूँ गाइस नेक्स्ट 10 डेज, आपके रिलेशन के लिए मैं देख चुकी हूँ गाइस। पर्सनल प्रेडिक्शन लेना चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस, एंड प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, कॉल ना किया कीजिए। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ करियर के लिए आखिर क्या कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पर।
बहुत कुछ है यहाँ पर गाइस। इस वक्त आपके मन में चल रहा है अपने करियर को लेके, एनर्जीज मिल रही है मुझे अभी से, रिसीव होना स्टार्ट हो गई है कहीं ना कहीं, कार्ड से ही मुझे एनर्जी मिल रही है गाइस कि आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ आप कहना चाह रहे हो ना जो कह नहीं पा रहे हो। अबंडेंस, ओके। सो गाइस नेक्स्ट 10 डेज में अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, बट कुछ चीज़ें ना अपने करियर को लेके जैसे आप चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में, कुछ बदलाव आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करियर में आपको डाउट था। ओके लवर्स, अपने करियर के लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से, डेडिकेशन से कभी बहुत एफर्ट किए हैं गाइस, और उस वक्त आपको ऐसा लगा कि शायद आपने जितने एफर्ट किए उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला। आपने इंतज़ार किया, आपने बहुत इंतज़ार किया अपने करियर में गाइस, कुछ भी करियर हो सकता है आपका, उसमें आप कहीं ना कहीं जानते हो कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, या फिर कोई डिसीज़न आप लेना चाह रहे थे अपने करियर को लेकर, पर कहीं ना कहीं अंदर से आपकी एक फियर था, उस फियर के चलते आपने हार्डवर्क तो किया बट कहीं ना कहीं रिजल्ट से आप ना पास की किसी चीज़ से रिजल्ट में अभी से बहुत ज़्यादा फियर में थे। तो ऐसा कोई रिज़ल्ट अगर आपका निकलने वाला है गाइस हाल फिलहाल में नेक्स्ट 10 डेज में, कोई रिज़ल्ट अगर आपको मिलने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा वो। और कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि गाइस नेक्स्ट 10 डेज में अगर आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो अपने करियर में, कोई नई शुरुआत करना चाहोगे, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फूल्स की एनर्जी है कि अगर आप नेक्स्ट 10 डेज में कोई न्यू स्टार्ट ना करें अपने करियर में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 10 डेज के बाद का जो टाइम रहेगा ना गाइस वो एक अच्छा टाइम रहेगा, उस टाइम पे आप जो है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, कोई न्यू स्टार्ट कर सकते हो अगर आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। नेक्स्ट 10 डेज के बाद से ना गाइस एक टाइम आएगा जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में मिलने वाली है अपने करियर में, जॉब्स रिलेटेड हो सकती है या फिर कुछ भी, अगर आप अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में आप चाहते हो अपने करियर में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी एनर्जीज ओपन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो गाइस आई होप आपके साथ में जो रीडिंग्स हैं रेजोनेट की हों। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।